अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पेंसिलीन और सेफलोस्पोरिन। पेंसिलीन और सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स की एग्जाम है। अब पढ़ चुके हैं एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, और उनकी एग्जाम में से पेंसिलीन है। पेंसिलीन एक फंगस से हासिल की जाती है, उस फंगस का नाम पेनिसिलियम है। जो पेंसिलीन है ये बैक्टीरिया की महदूद इकसाम के खिलाफ मोसर साबित होती है, यानी हर किस्म के बैक्टीरिया के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती, कुछ बैक्टीरिया के लिए ये फ़ायदा मंद होती है। इसलिए पेंसिलीन को हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया के ऊपर असरअंदाज होती है। और पेंसिलीन को 1928 में दो साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट का नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था सर हावर्ड फ्लोरे, इन्होंने इसे डिस्कवर किया। आप चाहें तो इसका सिर्फ उर्दू का नाम इसे याद कर लें, अगर उर्दू में लिखना मुश्किल लगे तो बेशक इंग्लिश में आप याद कर लें। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो एंटीबायोटिक है वो है सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन हमें जिस किस्म के ये एक मोल्ड से हमें हासिल होती है, मोल्ड को उर्दू में हम उसे फफूंदी कहते हैं, ये मोल्ड की एक किस्म, उससे मेनलोस्पोरियम, स्पेलिंग आप देख लीजिए जैसे भी आपको आसान लगे, ये एक जो मोल्ड या फफूंदी की किस्म मेनलोस्पोरियम से हासिल की जाती है। और ये 1948 में हुई डिस्कवर, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये होता है कि 1948 में हुई थी डिस्कवर। और सेफलोस्पोरिन उन बैक्टीरिया के खिलाफ फ़ायदा मंद होती है जो पेंसिलीन के खिलाफ मुदाफ़त पैदा कर लेते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर पेंसिलीन का असर नहीं होता उनके लिए फिर सेफलोस्पोरिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और फिर वो जो कोई भी तकलीफ या उससे बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके शॉर्ट भी इसी दो हेडिंग्स के मुताबिक इसमें 5 शॉर्ट हैं, लेकिन इसमें एक नैरो स्पेक्ट्रम के पेंसिलीन को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्यों कहते हैं, और पेंसिलीन में जिस किन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हावर्ड फ्लोरे, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम और ईयर ये आप लोगों ने याद करना है, ये अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आज के लिए इसके 6 बनते हैं क्वेश्चन हैं, ये छोटे छोटे हैं लेकिन 6 हैं, ये सारे आपने याद करने हैं और लिखने भी हैं। शुक्रिया।